नमस्कार फ्रेंड, अगर आपको भी ब्लाउज में पैड लगाने में दिक्कत होती है और आप पैड लगाना चाहते हैं बिना कटिंग किए, तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टू टक्स के साथ में हम इसमें पैड अटैच करना बताएंगे और इसको बहुत ही इजी मेथड से मैं फ्रंट पार्ट आपको तैयार करना बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है और यहाँ पर 4 इंची के 20 सेंटर से निशान लगा लेंगे। इसके बाद निशान लगाएंगे हम इसके बस्ट पॉइंट का। तो ये 36 साइज का है और लंबाई हमारी यहाँ पर 15 इंची है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से 10.5 से 11 इंची पर इस तरह से निशान लगा लिया है। ऊपर से हम देखिए आर्म होल की साइड से निशान लगाएंगे 5.5 इंची का और स्प्लिट्स की दूरी लेंगे हम यहाँ पर 3 इंची की। 1/2 इंची का गैप रखते हुए आर्म होल की साइड में हम यहाँ पर प्लेट्स लगा के कंप्लीट कर लेंगे और दोनों साइड में हम 1/2 इंची का इस तरह से मार्क लगाएंगे और इस निशान को ऊपर बस पॉइंट वाले सेंटर से मिला देंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अभी देखिए, इसको मिला के इस तरह से रखेंगे और जो मार्क हमारे एक साइड है वही निशान हम दूसरी साइड पर भी ले लेंगे। सेम निशान हमारे मेन फैब्रिक पर भी हमें लगाने हैं। तो जो हम प्लीट्स लगाएंगे ना, वो हम अस्तर पर अलग लगाएंगे और मेन फैब्रिक पर अलग लगाएंगे। तो इसीलिए हमें सेम मार्किंग अस्तर और मेन फैब्रिक पर भी लगा लेने हैं। और ये जो है वेलवेट का फैब्रिक है और इसका लहंगा जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि 5 मीटर कपड़े में हम किस तरह से कली वाला लहंगा तैयार करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का नोटिफिकेशन और को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर देखिए, हमने मार्किंग कर दी है और यही मार्किंग हमारी इस पर मेन फैब्रिक पर आ चुकी है। अभी इस मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। आर्म होल की साइड से भी हमने 1/2 इंची का गैप लिया था तो सेम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसको भी हम अस्तर पे जिस तरह से हमने दूसरी साइड पे लिया था इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और सेम मार्किंग हमारी दूसरी साइड पे भी आ जाएगी। तो पैड लगाना बहुत आसान है। फिनिशिंग के साथ में हम पैड लगा सकते हैं और बिना कटिंग किए। आप चाहे तो इसको कट करके भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें कट नहीं किया है और बिना कटिंग किए मैं इसमें पैड लगाना आपको बता रही हूँ डिटेल में। तो देखिए, मार्किंग हमारी सेम इस तरह से हो चुकी है। अभी जो हमारे मार्क लगे हुए हैं इसी पे ही हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अभी देखिए, एक प्लेट्स पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से हमारी दूसरी प्लेट्स है, इसको भी हमें कंप्लीट कर लेना है। आर्म होल की साइड की जो हमारी सिलाई होगी उसको भी लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है। कई सारी वीडियो में मैंने आपको प्रिंस कट में पैड लगाना बताया है, आपको मैंने अस्तर डबल अस्तर पे भी हम किस तरह से पैड लगाते हैं वो भी बताया है। साइड चेन के अगर हम ब्लाउज बनाते हैं उस पर किस तरह से पैड लगाते हैं बहुत सारी वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ की वीडियो में मैं आपको बिना कटिंग किए पैड अटैच करना बता रही हूँ। तो देखिए, साइड की हमारी लिड्स भी इसमें लग चुकी है आर्म होल की साइड से। तो मेन फैब्रिक वाले हमारा ये प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी है, इसको रखते हैं एक साइड और जो हमने अस्तर पे मार्किंग की थी इस पे भी हमें इसी तरह से प्लेट्स लगा के कंप्लीट कर लेना है। अभी यहाँ अस्तर पे हमारी मार्किंग हो गई है और इसके 20 सेंटर पे जो बस्ट पॉइंट है यहाँ पर हमने इस पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर लगाने हमें पैड, तो अभी ले लेते हैं पैड और पैड की देखिए सीधी साइड पर हमें इस तरह से फोल्ड करना है पैड को और यहाँ पर 20 सेंटर पर एक मार्क कर लेना है। अभी देखिए, सीधी साइड को हमें इस तरह से रखना है ऊपर की तरफ और बस्ट पॉइंट से जो हमने सेंटर पे निशान लगाया है और जो हमारे पैड पे निशान लगा है इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला के रखना है और एक सीधी सिलाई हम जो हमने प्लेट्स की लगाई है उस पर लगा के इसको सिल देंगे। तो यहाँ देखिए, एक पैड हमने अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरा भी हम इस तरह से रखेंगे, सेंटर का निशान लगाएंगे, निशान से निशान को इस तरह से मिला के रखेंगे और 20 सेंटर से मिलाते हुए हमने बस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो पैड हमारे यहाँ पर ब्लाउज में अटैच हो चुके हैं अस्तर पे। अभी इसको हमें फाइनली किस तरह से सिलना है ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पैड को हमने इस तरह से सीधा कर लिया है, एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो अभी अस्तर हमारा मेन फैब्रिक अलग है, इसको हमें स्टिच किस तरह से करना है। अभी देखिए, मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से ले लिया है और सीधी की सीधी साइड हमने दोनों की अंदर की तरफ रखी हुई है और गले की साइड में इस तरह से मिला के रखना है और एक पैर के मार्जिन से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई कैनवास यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई बुकरम यूज़ नहीं कर रही हूँ, पेस्टिंग वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। सिंपली हम जिस तरह से नॉर्मल गला बनाते हैं सेम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे इस पर और पूरे गले पर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये फिनिशिंग के साथ में पूरा फ्रंट पार्ट बनके तैयार होता है और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार आप ज़रूर इस मेथड से ब्लाउज को बना के कंप्लीट कीजिएगा। मैं पिछले 10 सालों से इसी तरह से ब्लाउज को बना रही हूँ और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ में हमारा ब्लाउज बनके तैयार होता है।
मैंने यहाँ पर राउंड नेक रखा है, आप अपनी पसंद से यहाँ पर कोई भी नेक रख सकते हैं, स्वीट हार्ट नेक रख सकते हैं या फिर वी नेक भी रख सकते हैं। अभी देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अभी नीचे वाली साइड से भी हमने यहाँ पर कटिंग के टाइम पे आधा इंची का मार्जिन लिया था, तो आधा इंची का मार्जिन लेते हुए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर हर एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ पर देखिए सिलाई हमने लगा दी है। अभी ऊपर गुलाई वाली साइड से हमने जो गले पे सिलाई लगाई थी इस पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाते समय ध्यान रखना है हमारी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। और अभी इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से लगाने से हमारे जो पैड है वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे और फिनिशिंग और फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है देखने में। अभी देखिए पैड को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे तो फ्रंट पार्ट हमारे यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है। अभी देखिए इसकी सिलाई जो हमने लगाई थी इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। अस्तर वाले पार्ट को हमें अंदर की तरफ सेट करना है सिलाई से, और यहाँ पर एक पैर के मार्जिन से इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर कपड़ा को जरूर आपको सेट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर सनील का फैब्रिक है ये और बहुत जल्दी चिपक जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई लगाते समय आपको इसकी किनारी का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है इसको। तो यहाँ देखिए गले पे हमारी सिलाई लग चुकी है और अब नीचे की साइड से हमने इस तरह से मिला के रखना है इसकी किनारी को। और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं या फिर बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल ही रख रही हूँ। यहाँ देखिए गले पे भी सिलाई लग चुकी है, नीचे की साइड पे भी हमारी सिलाई लग चुकी है, तो फ्रंट पार्ट जो है ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे यहाँ पर पैड अटैच हो चुके हैं। 36 साइज से आपको मैंने इसको बताया है और पिछले वीडियो में मैंने आपको 32 साइज में पैड अटैच करना बताया था। अभी देखिए इसको फाइनली हम तैयार कर लेंगे, साइड से सिलाई लगा लेंगे और बैक पार्ट हम नॉर्मली तैयार करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बैक पार्ट नहीं बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते टाइम बेल के नोटिफिकेशन और को क्लिक कीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस ब्लाउज के साथ का जो लहंगा है उसके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।